जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है ऐसा देखकर लगता है कि एक वर्ग ये चाहता ही नहीं है कि देश में अमन हो, चैन हो, और जो ऐसे मौलाना है और जाकिर नाइक को जो अपना आदर्श मान के चलते हैं उनको समझना पड़ेगा ये कि देश का माहौल प्राथमिकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। देखिए ये तो साफ साफ है, देखिए जो जो इस भड़काऊ जाकिर नालायक के साथ खड़ा है वो डेफिनेटली वो भारत का मुसलमान तो नहीं हो सकता। वो तो होगा तो कोई विदेशी मुसलमान, भारत का मुसलमान किसी जाकिर नालायक। ठीक है, आपकी आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं ठीक करवाती हूँ, लेकिन मैं हाजी रंगरेज जी के पास जाती हूँ। हाजी रंगरेज जी, जाकिर नाइक का ये बयान, इसके बाद मौलाना तौकीर रजा का ये बयान कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? ऐसे बयान देने से एक वर्ग विशेष जो है वो प्रोवोक होंगे, उनकी ओर से ऐसे बयान देने से माहौल खराब होगा देश का? क्या एक ही तरफ से माहौल खराब होता है, दूसरी तरफ से माहौल खराब नहीं होता? तो इस तरीके का माहौल खराब तो दोनों तरफ से होते हैं, दोनों तरफ के धर्म गुरु इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि बात ऐसी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब तक संविधान है किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी और सबको इंसाफ मिलेगा। और रही बात जो बाहरी लोग हैं उनका दखलंदाजी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं। और ये जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे तो मोदी जी बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, और जो गल्फ के मुसलमान हैं उन्हें उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, घर बड़े गले लगाते हैं, बड़े घर पर बुलाया जाता है, मगर जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात आती है तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, उन्हें घुसपैठिया बता देते हैं। तो इस तरीके का माहौल तो ये खुद ही बना रहे हैं यहाँ देश में, ये किसी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना, देश का ताना बाना जो है वो खराब हो, तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। नहीं, देखनी तो पड़ेगी, लेकिन देखना यह भी पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में आप ये कहते हैं कि देश में संविधान है, कानून है, दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि भाई मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जब देश में संविधान है, कानून है, तो फंसा कैसे सकता है किसी को कोई? खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आचार्य जी, आपके पास मैं वापस फिर से आ रही हूँ। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो देश के मुसलमान उनको फंसाया जा रहा है, उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड बिल है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो जो कि जो देश में माहौल चल रहा है और इस बीच में ऐसे बयान देना, इसको लेके क्या लगता है आपको कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि एक पक्ष प्रवोक हो, अति उत्साह में कुछ करे, देश का माहौल खराब हो? देखिए ओबीसी के जितने चट्टे बट्टे हैं, तौकीर रजा हो गए, रंगरेज हो गए, ओबीसी खुद हो गए, इनका एक ही मोटिव है, ये इस्लाम को सबसे बड़े खतरनाक जो पहलू है वो यही लोग हैं। इस्लाम कहीं खतरे में नहीं है, इस देश का कोई पक्ष खतरे में नहीं है, लेकिन ये लोग की इन लोग की राजनीति खतरे में है। इस देश में जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, सबको खाना मिल रहा है, सबको आगे मिल रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश की जनता मुफलसी में रहे, इस देश का मुसलमान मुफलसी में रहे, और इनकी राजनीति का जो मंतव्य है वो चलते रहे। तौकीर रजा जैसे लोग, ओबीसी जैसे लोग, और ओबीसी के नुमाइंदे जो आसपास घूमते रहते हैं या टीवी पे चैनल पे बैठे रहते हैं, उनका केवल एक ही एजेंडा होता है, इस देश को अशांत करना। ओबीसी साहब का वजन देख लीजिए, उनको दिखाई देते हैं कि हटा लो 10 मिनट के लिए, पुलिस हटा लो, ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि अशांत, दुशांत से शांत जिले उसको भी अशांत कर, इनका सिर्फ एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश की भी अशांति हो, इस देश में मुसलमान घर से बाहर निकले, काम रोजगार धंधा जो छोड़ दे, और उसके बाद अपने इनकी राजनीति में इनकी पूछ बन के काम करता रहे। लेकिन इस देश के लोग इतने बुद्धिमान है, जनता जनार्दन बहुत बढ़िया समझदार हो चुकी है, कोई इनको भाग नहीं डालता। आप देख लीजिए इलेक्शन में कुछ कह रहे हैं। तारिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगी, मेरे पास सवाल भी आपसे, मैं पूछूंगी भी सवाल आपसे। हिमाचल में जो हो रहा है वो भड़काऊ बात नहीं है, या कहीं मैं बताना चाह रहा हूँ इनकी जमानत जब तोड़ दी है, इनको क्योंकि लोग कितना चाह रहे हैं मुसलमान। तारिक जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। तारिक जी, एक बार भी आपने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि नहीं ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जाकिर नाइक हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता है, एक बार भी आपने इस बात का काउंटर नहीं किया, अपनी ओर से ये नहीं कहा कि ये बयान गलत है, ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होगा? थोड़ी सा जिम्मेदारी समझिए देश के प्रति आपकी भी। पॉलिटिकल पार्टी अलग होना है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, नहीं नहीं, और जो वोट बैंक है वो अलग बात है, लेकिन सर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ऐसे बयानों को, लेकिन सर कुछ तो आप लोग तो फैसला आने में भी आप लोग कह रहे थे कि मुसलमान दंगा करेगा, हम लोगों ने मुसलमान को संभाला था। सर राम मंदिर पर फैसला आए, 4 साल हो चुके हैं, मंदिर बनके तैयार भी हो गया, सर कहां एग्जांपल दे रहे राम मंदिर का आप? मैं बात कर रही हूँ आज की मौलाना के बयान की, आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी,
कि वहां कुछ होने मंदिर का फैसला हो गया, भव्य मंदिर घटना नहीं होने दी गई थी। जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है सर। एक बार जाकिर नाइक पर भी बोल दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगी सारी। एक बार जाकिर नाइक पर बोलकर तो दिखाइए आप, ये तो एक बार कह के दिखाइए कि जो मौलाना ताकिर रजा ने कहा वो गलत कहा, वो नहीं कहना चाहिए था। उन्हें लड़कियों के खिलाफ भड़का रहा था आपका चैनल, भड़का रहा था, मालूम है आपको? जरा उस समय का पता करिए, उस समय आप भी चैनल पे विनोद बंसल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार एग्जाम्पल दे रहे पुराने, लेकिन आज जो बयान दिए जा रहे हैं मौलाना तौकीर रजा की ओर से, जाकिर नाइक की ओर से, क्या लगता है आपको कि ये प्रयास है देश के माहौल को खराब करने का, उकसाने का? हालांकि उनके बयान का समर्थन नहीं करते हम, लेकिन बात करना जरूरी है, इस पर सवाल पूछना जरूरी है कि ऐसे बयान आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल डेफिनेट, ये बयान जो है ना जी, देश के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिए है। और हमारे हमारे देश के ही कुछ मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान भी मानते हैं और जाकिर नालायक का पिछले पिट्ठू भी मानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जो देश के लिए भगोड़ा है, देश के लिए नालायक है, देश उसको आतंकवादी कहता है, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से वो भगाया जा चुका है। अभी कई जहां पर वो बचा हुआ वहां का जो प्रधानमंत्री वो भी कह चुके हैं यहाँ से हम भगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जो भारतद्रोही जो नेता हैं, जो भारतद्रोही मानसिकता के मुसलमान हैं, जो भारतद्रोही मानसिकता के जो जिहादी तत्व हैं, वो इस नालायक के पीछे उसके तलवार चाटने में लगे हुए हैं। कमाल की बात है, इस नालायक को तो जो बिल्कुल ये दुनिया के अंदर रहने का मौका नहीं, अवसर नहीं मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये जो MF हुसैन था, MF हुसैन के कुकर्म और करतूतों के कारण जो है ना, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी उसके सब को भारत में नहीं घुसने दिया था बजरंग दल ने, और हमारा अभी भी संकल्प है इस जाकिर नालायक को भारत की पुण्य धरा के अंदर घुसने नहीं देंगे। और भारत का अगर कोई मुसलमान इसके साथ में खड़ा होता है तो उससे बड़ा देशद्रोही, देशघाती और भारत में कोई नहीं हो सकता। इनके मुंह में क्यों नहीं जाता है ये जो हाजी अंग्रेज जी, जाकिर नालायक भारत का भगोड़ा है। ठीक है, आपकी बात आ गई। हाजी अंग्रेज जी, क्या जाकिर नाइक बताएगा कि जो मुसलमान है देश के वो क्या करे क्या ना करे? क्या JPC के पास नहीं गया है वक्फ बोर्ड बिल? क्या उस पर सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है कि क्या बेहतर है क्या नहीं है? क्या मुस्लिमों के जो नुमाइंदे वहां नहीं बैठे बताने के लिए कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए? अब क्या जाकिर नाइक बताएगा आप लोगों को, या मुस्लिम पक्ष के लोगों को, या मुस्लिमों को कि क्या किया जाए उनके लिए, क्या ना किया जाए, क्या बेहतर है क्या नहीं है? आप लोग खुद काफी नहीं है क्या? देश के मुसलमान जो देश के सांसद है, ओवैसी साहब है, तमाम लोग है, क्या वो काफी नहीं है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए? देखिए बैलिस्टर साहब बहुत जो है हमारे नेता हैं और वकील भी हैं, बैलिस्टर भी हैं, उनकी बात सब सुनते हैं, मानते भी हैं, मगर ना तो कोई जाकिर नायक की बात मानना चाहता है, ना ही कोई गोडसे की जो नाजायज उराद है वो उनकी बात कोई माननी चाहिए, क्योंकि उनकी भी बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उनकी महिमा कि जाकिर नाइक हमारा आदर्श नहीं है। जो मौलाना जो फतवा जारी करते हैं उसे कहे कि फतवा जारी करे वो जाकिर नाइक के खिलाफ, फतवा जारी करे मुस्लिमों के लिए, संदेश भेजे और कहे कि जाकिर नाइक को सुनना पढ़ना देखना बंद करे, उसकी बात मानना बंद करे, उसकी वीडियोस को शेयर करना बंद करे। बोलिए फिर अपने मुंह से आप डिबेट पर। ये जाकिर की औलाद है, ये जिहादियों की औलाद है, ये साफ जाहिर हो गए, ये गोड से की नाजायज औलाद जो है, नाजायज और ऐसे ऐसे शब्द सर। देखिए भाषा की मर्यादा बना के रखिए सर, जो कहना हो सो कहिए, बस भाषा की गरिमा बनी रहे। वो अपने जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है जितने मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उन्हीं को अपना वंश, उन्हीं के वंशज के लोग हैं जो विरोध नहीं कर सकते। शर्म की बात है कि बाबर की बिरादरी के लोगों की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। ये मुगल के वंशज जो है जो यहाँ पर छूट गए बचे रह गए वही लोग हैं जो देश के अंदर कट्टरता लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से समाजवाद एक एक करके बोलिए। तारिक जी मैं आपके पास आऊंगी, तारिक जी मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से चुन लिया, ठीक है तारिक जी, ये बेशर्म राजनीति। 30-30 सेकंड, अब 30-30 सेकंड मैं आप सभी को दूंगी बोलने के लिए। आचार्य जी पहले आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं जाऊंगी तारिक जी के पास, बाकी लोगों के पास। आचार्य जी पहले 30 सेकंड में सर।
पहले हम सोचे कि ये किताब संविधान की किताब लेके चल रहे हैं, आज की तारीख में जितना भी विपक्षी दल है सब संविधान किताब लेके चल रहे हैं। इस देश के संविधान ने, इस देश की अदालत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित किया और वास्तविक उसके बाद भी ये जाकिर नाइक के जो जिस प्रकार से हितेशी यहाँ बैठ जाते हैं, तो देश के संविधान का विरोध कौन कर रहा है, देश की न्यायपालिका का विरोध कौन कर रहा है, देश के दुश्मनों के साथ कौन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लेके हर बार डिबेट कर जाते हैं संविधान 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 संविधान, संविधान को तोड़ने वाले, संविधान के खिलाफ जाके बोलने वाले कौन लोग है, पूरा देश सही से समझ रहा है संविधान की इज्जत कितनी की जाती है इस संविधान के। ठीक है, हमारे साथ हनुमान जो हनुमान मंदिर है महंत, उसके राजदास जी जुड़ गए हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद अक्सर वो इससे शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की राजदास जी। लेकिन आज तो मुद्दा दूसरा है, आज मुद्दा दरअसल ये है कि जो जो मौलाना तौकीर रजा है वो कह रहे हैं कि जो देश के मुसलमान है उनको फंसाया जा रहा है, और जाकिर नाइक जो बैठा है पाकिस्तान में वो ये कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो मुस्लिमों के हित में नहीं है, लिहाजा उसके लिए बाकायदा उनकी ओर से QR कोड और बहुत कुछ जो पहले कहा जा चुका है उसको मैं दोहराऊंगी नहीं बार बार। लेकिन आज बहस इस बात को लेकर के आखिर वैसे भड़काऊ बयान क्यों, देश का माहौल खराब करने का प्रयास आखिर क्यों, और ऐसी बयानबाजी का मकसद क्या है, इस पर आपकी टिप्पणी पहले। देखिए, जिस प्रकार से बयानबाजी किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इससे बफोर्ड जो कानून में जो सुधार हो रहा है उसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे विषय, ढेर सारे मुद्दे, ढेर सारी समस्याएं जो है वो बफोर्ड की मनमर्जी के कारण है, और उसमें हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, अधिकतर मुसलमान परेशान है, लमसम 25% हिंदू परेशान है। हिंदू इसलिए परेशान है क्योंकि कानून ऐसा है कि कोर्ट हम जा नहीं सकते हैं, जो गुनाहगार है हम उसी के पास जाएंगे, उसने कह दिया ये पूरा एरिया वक्फ बोर्ड का है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, उनके शरण में जाएंगे, उनको लगेगा कहां सुनना चाहिए। नहीं, ये भी कह रहे साथ में कि देश के मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। अगर देश के मुसलमानों को फंसाया जाता तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार में फर्स्ट पर देश के मुसलमान नहीं रहता। क्या बांग्लादेश में ऐसी सुख सुविधा हमको मिल रही है? क्या पाकिस्तान में हमको सुख सुविधा ऐसी मिल रही है? क्या सीरिया, ईरान, इराक में ऐसी हिंदुओं को सुख सुविधा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान में जितना वरीयता मुसलमानों को है, जितना छूट मुसलमानों को है, उतना किसी को नहीं है। फिर भी ऐसे तारिक जी कुछ कह रहे हैं, राजदास जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, तारिक जी विश्व गलते हैं। हाँ राजदास जी, मैं आपके पास लौटूंगी, तारिक जी भी बात नहीं करेंगे। हाँ बोलिए तारिक जी, बोलिए, अब मैं आपके पास आई हूँ, बोलने का मौका दे रही हूँ, बोलिए। हिंदुस्तान में भारत में रहने दो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजराइल इतना करना तो चले जाओ ना, समझी कौन रोक रहा आपको? अगर हिंदुस्तान के मुसलमान पसंद नहीं है तो आप हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, किसने रोका है आपको? वैसे ही इजराइली आपके भाई है, आपके DNA वाले है। अच्छा, ऐसे लोगों को आप बैठाते हो, ऐसे लोगों को बैठाते हो, देशद्रोहियों को आप बैठाते हो, आतंकवादियों को आप ऐसे बैठाते हो, ऐसे आतंकवादियों को छूट देते हो बोलने के लिए? नहीं, अरे आतंकवादी, तारिक जी भाषा की मर्यादा बनाइए भाई। नहीं नहीं ऐसे सर, मैंने सबको बराबर बोलने का मौका दिया है। अरे तुम्हारे पूर्वज तो चले गए, तुम्हारे पूर्वज तो चले गए, अरे पाकिस्तानी, ठीक है, तुम्हारे पास वक्त सिर्फ इतना ही है, हमारे रोटी पे मैंने सबको बोलने का मौका दिया है। लेकिन सवाल दरअसल ये बना हुआ है, क्योंकि चूंकि तारिक जी मानने को तैयार नहीं है, और जो रंगरेज जी है वो भी अपनी बात रख रहे हैं, सभी ने अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल दरअसल ये बना हुआ है कि आखिर देश में माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। चूंकि सभी लोग ये तो मानते हैं यहाँ पे, रंगरेज जी हो चाहे बाकी समाजवादी पार्टी के नेता हो, कि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन इस बीच में ऐसे बयान देकर के क्या एक पक्ष को, एक वर्ग को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? और अगर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या देश के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है कि देश का माहौल खराब ना हो, तो आखिर मौलाना साहब ये बार बार कह करके माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? हालांकि यहां पे बहस खत्म हो गई है, फिलहाल जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ, कल भी, आज इतना ही, देखते रहिए पब्लिक फाइल। देश के जिसे को नुकसान पहुंचाता उसे कमजोर